हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल सी हैश डायग्राम, जिसको उसका दूसरा नाम भी होता है पोस्टर डायग्राम। हैश डायग्राम और पोस्टर डायग्राम सेम ही होता है। तो ये बेसिकली क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। तो अभी मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख के आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्या करना है। पोस्टर तो आपको पता है, एलिमेंट्स के बीच में हम लोग रिलेशन शो करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, कुछ एलिमेंट्स हैं -2, 0, 1.1, √2, कॉमा लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपका एक सेट है ए, और ये आपका रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसका आपको ड्रॉ करना है हैश डायग्राम। तो लेस देन इक्वल टू मतलब हम लोग इस ये जो दिया गया है सारा एलिमेंट, कौन सा किससे छोटा है। सबसे पहले तो -2 होगा, -2 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है 0, उससे बड़ा है 1.1, और उससे बड़ा है √2, ऑब्वियसली 1.41 समथिंग होता है। तो उसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं लाइन उसका, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, जस्ट उसको लाइन बाय लाइन शो मतलब शो करना है। जैसे कि ये हो गया हमारा आंसर, इसी तरह हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक मान लीजिए और एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा, 1, 2, 3, 6 सेपरेटेड बाय डिवीजन। तो ये डिवीजन के लिए 6 क्या क्या डिवाइड करता है, 2, 3, और 2, 3 क्या क्या डिवाइड करता है 1। तो उसी तरह आपको सोच के चेन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लेस, यहाँ पे जो हमने बनाया था लेस देन इक्वल टू था, तो इसीलिए 1 बाय 1 अरेंज किया। यहाँ पे डिवीजन है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 6 है। 6 क्या क्या डिवाइड कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है। अब जो बचा 1, 1, ये दोनों से डिविजिबल है, तो उसका हैश डायग्राम बनेगा ऐसे। तो इसी तरह हम लोग और कुछ और एक एग्जांपल मैं आपको लेके बताती हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पे मान लीजिए और एक क्वेश्चन है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 6, 12। ठीक है, ये एक सेट है जो कि सेम डिवीजन वाला ही रूल है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 12 है। पहले आप 12 लिख दीजिए। 12 क्या क्या डिवाइड करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 के साथ 3 भी डिविजिबल है, लेकिन अगर आप ऐसे तो देखेंगे तो 1 भी है डिविजिबल, 2 भी डिविजिबल है, और यहाँ पे जो 1 ने हमने लिया था वो भी ऐसे मतलब 6 से डिविजिबल है, लेकिन उसको मतलब ये जो हैश डायग्राम है, आपको हमेशा वो जो नंबर दिया हुआ रहता है उसको ऐसे नहीं है ऑर्डर में चेन देके रिप्रेजेंट करना रहता है। तो सबसे पहले डिविजन में ऐसे ही मतलब जैसे अच्छा चेन बने उसी तरह हम लोग लेंगे। 12 डिविजिबल है 6 से और 4 से। अभी जो नेक्स्ट एलिमेंट है 2 है, तो 2 किस किस से डिविजिबल है, 4 से है, 6 से भी है, लेकिन जो 3 है वो बस 6 से ही डिविजिबल है। अब जो 1 बचा वो 2 से भी है, 3 से भी है। तो ये हो जाएगा उसका रिक्वायर्ड हैश डायग्राम।